हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में जिसका नाम है राहुल सिंह फिजिक्स। चलिए अब आगे कंटिन्यू करते हैं। एप्लीकेशन कर रहे थे हम लोग, और एप्लीकेशन में मैंने आपको अगले पिछले लेक्चर में बताया कि किसी थिन वायर का चार्ज्ड वायर की इलेक्ट्रिक फील्ड आप कैसे निकाल सकते हैं गॉस थ्योरम की सहायता से। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे नंबर टू एप्लीकेशन है, और एप्लीकेशन हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फेयर, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फेयर। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहली बात जो हम निकाल रहे हैं यहाँ पर, वो निकाल रहे हैं इसके आउटसाइड, आउटसाइड द स्फेयर। अब आउटसाइड के लिए देखो, जब हम सॉलिड स्फेयर की बात करते हैं और ये चार्ज्ड है, और जो चार्ज है वो पूरा ऐसे नॉन कंडक्टिंग ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड, इसमें यूनिफॉर्मली। इसकी रेडियस है कैपिटल आर, और मैंने एक पॉइंट ले लिया स्मॉल आर डिस्टेंस पे, पी पॉइंट। अब गॉस थ्योरम अप्लाई करनी है तो सबसे पहले इसको क्लोज करना पड़ेगा गॉसियन सरफेस में, कर दिया हम लोगों ने। इसके बाद यहाँ से एक छोटा सा एरिया लिया, कितना, डीएस, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर होगी और इसका एरिया वेक्टर भी। ठीक है, दोनों बाहर की तरफ हुए, सेम डायरेक्शन में हुए। अब आउटसाइड की बात करते हैं तो डिस्टेंस इज मोर देन कैपिटल आर, डिस्टेंस जो है रेडियस से बड़ा है, मतलब हम बाहर की तरफ हैं। तो मैं गॉस थ्योरम अप्लाई करता हूँ, तो गॉस थ्योरम जब अप्लाई करता हूँ तो आएगा ई डी एस कॉस 0 डिग्री बराबर कितना चार्ज है इसके अंदर, क्यू, और अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। कॉस 0 1 हो गया, ई बाहर आ गया। इतना एरिया अगर डीएस है तो पूरे का एरिया अगर मैं लेता हूँ तो 0 से लेकर 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर। डीएस का इंटी देखो, कॉस 0 1, ई बाहर, डीएस का इंटीग्रेशन एस, एस की जगह अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो कितना हुआ ये 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकल कर आया क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। दिस इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फेयर, एंड अगर आप ध्यान से देखें तो ई इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, मतलब यदि आप डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटती जाएगी। एक बात समझ में आई, चलिए दूसरी बात करते हैं यार। इसमें दूसरा केस है स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, मतलब ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस। अच्छा, ऑन द सरफेस के लिए कैसे करना है आपको, बहुत आसान है ये तो। ये देखो कैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, आपको पता है इसके अंदर पॉजिटिव, जिसकी रेडियस कितनी है आर। इस बार पॉइंट पी ले लिया हमने सरफेस पे, कितनी दूरी पर, स्मॉल आर डिस्टेंस पे, और आप देखो स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर हो गया। अब अगर मेरे को यहाँ पर गॉस थ्योरम अप्लाई करनी है तो एक गॉसियन सरफेस बनाई हमने इसमें ऐसे करके, और इसका थोड़ा सा एरिया ले लिया, कितना, डी एस। इस डी एस का नॉर्मल बाहर की तरफ, पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की तरफ। चलिए यहाँ तक तो बात समझ में आती है हमें। तो अब मैं गॉस थ्योरम अप्लाई कर रहा हूँ तो क्या करेंगे, ई डी एस कॉस थीटा कितना है 0 डिग्री क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, अभी भी उतना ही चार्ज है सरफेस के अंदर। अच्छा, एरिया कितना हो जाएगा 0 से लेकर, अब मैं स्मॉल आर लिखूँ या कैपिटल आर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ई को बाहर करते हैं, डी एस का इंटीग्रेशन एस, अपर लिमिट 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर, अब ये मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में इधर आएगा तो कितना हो गया क्यू बाई 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। अब आपको तो याद होगा कि क्यू चार्ज अपॉन में सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कितना आ गया, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ये कहाँ पर है, ऑन द सरफेस। अब अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई है वो डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं कर रही, कैसी है, कांस्टेंट है। ऑन द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी रहेगी, कांस्टेंट, क्योंकि सेंटर से सरफेस में कहीं भी एलिमेंट लोगे तो उसकी डिस्टेंस कैसी है, सेम है। अंदर का चार्ज भी कैसा है, सेम है, इसलिए हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी रहेगी, सेम रहेगी। क्लियर है क्या मेरी बात, चलिए अगले बढ़ते हैं आगे, इसको मिटा देता हूँ बच्चों। चलिए तीसरी बात पे बढ़ते हैं, और तीसरा है इनसाइड द सेल, इनसाइड
द शेल, या इनसाइड द सॉलिड स्फेयर, है ना, सॉलिड स्फेयर कैसा, नॉन कंडक्टिंग है, स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर। अच्छा चलिए बहुत आराम से समझते हैं इसको, थोड़ा सा लेंथी है ये वाला इनकी कंपैरिजन में, ये रेडियस कैपिटल आर। अच्छा एक बात मैं अगर आपसे पूछूं, इन सब के अंदर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटर कैसा, पॉजिटिव कितना, क्यू। तो अब चार्ज क्योंकि इसके वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, यहाँ पर यूज़ करते हैं रो बराबर क्यू बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है पूरे का, 4/3 πr³। रो क्या है यहाँ पर, रो का मतलब है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ये ऊपर आएगा तो रो कितना हो गया, 3q/4πr³। ठीक है चलो यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्या करें, एक यहाँ पर पी पॉइंट ले लेते हैं, कितनी दूरी पर, स्मॉल आर डिस्टेंस पे। अब इसको गॉसियन सरफेस बना के बंद कर देते हैं। इसका थोड़ा सा एरिया लिया बच्चों, कितना, ds, और ds का नॉर्मल यानी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन बाहर और इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर, दोनों सेम डायरेक्शन में। चलिए अगर दोनों सेम डायरेक्शन में, तो अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, सबसे पहले इस सरफेस के अंदर, ये जो मैंने छोटा सा स्फेयर लिया है, इसके अंदर चार्ज इनक्लोज निकालते हैं, तो चार्ज इनसाइड वाला कितना आ जाएगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इनटू में वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है इसका, 4/3 πr³। रो की वैल्यू यहाँ से रख दूँ, 3q/4πR³ इंटू में 4/3 πr³, ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा, q/r³/R³। तो ये चार्ज आ गया जो इस सरफेस के अब अंदर होगा, जो नई वाली है, इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, धीरे 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 सब हो जाएगा, बहुत आसान है। अब गॉस थ्योरम अप्लाई कर रहा हूँ मैं, गॉस थ्योरम अप्लाई करता हूँ यूजिंग गॉस थ्योरम, तो E(dS)cos 0° बराबर क्यू इनसाइड वाला, पूरा नहीं लेना इस बार, अपॉन में ε₀। ई आ जाएगा बाहर, यहाँ पर जीरो से लेकर इतना एरिया ds, तो ये अंदर वाले का पूरा एरिया कितना हो जाएगा, 4π r² ई बाहर, इंटीग्रेशन ds का s, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, बराबर इनसाइड वाला चार्ज कितना है बच्चों, ये रहा q/r³/R³ε₀, जो कट रहा है उसको काट दे दें। ई का फॉर्मूला आ गया q r/4π₀R³। क्लियर है क्या मेरी बात, अगर आप ध्यान से देखो, चार्ज कांस्टेंट, 4π कांस्टेंट, ε₀ R भी कांस्टेंट, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई इस बार वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर की हो गई। मतलब यदि हम सेंटर से बाहर की तरफ जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है चलिए ग्राफ समझते हैं इसका, ग्राफ अगर ग्राफ की बात करते हैं बच्चों, तो देखें बड़े ध्यान से, ये डिस्टेंस है यार अपने पास, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर। अच्छा बच्चों ये बताओ, जब हम अंदर की बात कर रहे थे, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या रिलेशन आया आर के साथ, डायरेक्टली ऑन द सरफेस तो कांस्टेंट है, ई कैसा है, σ/ε₀। और अगर हम आते हैं इन आउटसाइड, तो हमें ये भी पता है ई इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं सेंटर से, तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रही है, चलिए यहाँ पर ये मैंने ड्रॉ कर दिया, स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हुई। ठीक है फिर हम कहाँ पर आ गए, सरफेस पे, सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी, ये रही कितना होगी यहाँ पर, σ/ε₀। फिर अगर हम इससे बाहर जाते हैं, यहाँ पर डिस्टेंस छोटा है किससे, रेडियस से, मतलब अंदर है ये सरफेस पे, बाहर बाहर आएंगे तो ऐसे पैराबोला टाइप में ग्राफ, क्योंकि ई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके हैं, आर स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है अब लोगों को, तो ये हमने निकाला नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के लिए। बच्चों यदि यहीं पर हमसे ये बोलता कि नॉन कंडक्टिंग शेल है, मतलब जैसे फुटबॉल होती है ना, फुटबॉल, फुटबॉल कैसे हैं, उसकी बनी हुई है नॉन कंडक्टिंग मटेरियल की, और अंदर के खाली पार्ट है, मान लो वैक्यूम होता तो कोई चार्ज तो वहाँ होता ही नहीं, क्योंकि वैक्यूम में तो चार्ज रहेगा ही नहीं, क्योंकि चार्ज को रहने के लिए मीडियम चाहिए। तो उस केस में बाहर वाला और ऑन द सरफेस सेम होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन अंदर भले ही वो नॉन कंडक्टिंग है, शेल के केस में मैं फिर बता रहा हूँ, फुटबॉल जैसा है ना, अंदर से खाली, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी। क्लियर है क्या मेरी बात, चलिए
मेरे को लिखने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, आपको समझ में आ गया होगा जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको। चलिए इतना हो गया हमारे पास, अगला पार्ट पे पढ़ते हैं। अब अगला पार्ट क्या है हमारे पास, देखो अगला पार्ट है हमारे पास, मान लीजिए क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से, इसको कर दें। एक ही मेरे पास एटम है, ये क्या है यहाँ पर एटम, और एटम के अंदर न्यूक्लियस आपको पता है, और न्यूक्लियस पे चार्ज कितना होता है, जेड ई। ठीक है, ये रहा जेड ई चार्ज, इसमें जेड ई, और ये नेगेटिव चार्ज पूरे वॉल्यूम में बिखरा हुआ है इसमें, ऐसा माने आप, और इसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल आर। ठीक है, अब आपको बोल रहा है एटम न्यूट्रल है, एटम कैसा है, न्यूट्रल। अगर एटम न्यूट्रल है तो इसका मतलब उस पर नेट चार्ज कितना हो गया, जीरो। नेट चार्ज किसकी वजह से होगा, चार्ज ऑफ प्रोटॉन प्लस चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल कितना हो गया, जीरो। अब प्रोटॉन का चार्ज कितना है, जेड इन टू ई, जेड का मतलब एटॉमिक नंबर है, ई के बारे में हमने पढ़ा है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर कितना, जीरो। क्लियर है क्या यहाँ तक? अब इलेक्ट्रॉन तो पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज को क्या लिखा जाएगा, पता है हमें, याद है फॉर्मूला, चार्ज को लिख सकते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है, 4/3 पाई आर क्यूब, और टोटल बराबर जीरो। यहाँ से मैं रो की वैल्यू निकालूंगा, ये इधर आ जाएगा, रो बराबर -3ZE, आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा ये। तो ये हमने निकाल दी नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी। क्लियर है मेरी बात? अगर ये न्यूट्रल है बच्चों, और पॉइंट मैंने बाहर लिया, पॉइंट कहाँ पर ले लिया, बाहर, और गॉसियन सरफेस बनाऊंगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी जीरो, क्योंकि अंदर नेट चार्ज जीरो हो गया। अगर हम ऑन द सरफेस बात करते हैं, ऑन द सरफेस, तब भी हमारे पास अंदर नेट चार्ज जीरो हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, अगेन जीरो। लेकिन हाँ, अगर अब हम कहाँ जाएँ, थोड़ा इनसाइड आ जाएँ, अंदर आ जाएँ, अंदर आ जाते हैं इसमें, अब ये अपना एटम है, ये एटम का न्यूक्लियस है। अब हम इस पॉइंट की बात करते हैं जो कि कहाँ पर है, इसके अंदर, क्या ये अभी भी नेट चार्ज जीरो होगा, नहीं, अब नेट चार्ज जीरो नहीं होगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज जो सारा बिखरा हुआ था ऐसे, केवल इतने वाले रीजन का मेरे को चाहिए। अगर इतने वाले रीजन का चाहिए तो कैसे निकालेंगे, तो क्यू चार्ज जो इसके अंदर आएगा, क्यू इनसाइड बराबर हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज जेड ई प्लस में नेगेटिव चार्ज, क्यू कौन सा वाला, नेगेटिव वाला। अब नेगेटिव चार्ज को कैसे निकाल सकते हैं हम, आपको याद होगा चार्ज बराबर कितना, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितना है इसका, ये रहा -3ZE अपॉन में 4πr³ इंटू में, अब हमें किस वॉल्यूम का निकालना है, इस वाले वॉल्यूम का, तो इसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो, 4/3πr³, 4π कट गया, 3 से 3 कट गया, तो कितना बचा, ZE -ZE r³ अपॉन में R³, यही बचेगा बच्चों। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसके लिए मैं आपको बताऊं, इसलिए मैंने नॉन कंडक्टिंग के बाद ही कराया, क्योंकि सेम कंसेप्ट लग रहा है, समझ रहे हो आप। अब मैंने इसका जो एरिया लिया है कितना, ds, आपको याद होगा जैसे अभी हमने पढ़ा था, फिर वही पुराना रिपीटेशन, पूरा रिपीट टेलीकास्ट, eds cos 0, q inside तो हमने ये निकाला है इस बार, कितना, 1/ε₀ इंटू में ZE r³ अपॉन में R³, सही। अच्छा, यहाँ से इसको जीरो से लेकर कहाँ तक, 4πr² तक इंटीग्रेशन करूँगा, ई बाहर आ जाएगा बच्चों, ds का इंटीग्रेशन s, 4πr² बराबर कितना, zd कॉमन आ जाएगा, zd अपॉन में ε₀, 1 r³ बाई कितना, R³, ये पूरा नीचे आ जाएगा, तो e का फॉर्मूला कितना आ गया, ze अपॉन में 4πε₀ r³ 1 r³ अपॉन में R³। ये हमने किसके लिए निकाला, ये एटम है हमारे पास, ये क्या है हमारे पास, एटम। इस एटम की हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, बाहर कितनी, जीरो, ऑन द सरफेस कितनी, जीरो। अच्छा, अंदर कितनी, वो जीरो नहीं होगी, वो तो इतना होगी ना, जेड का मतलब क्या है, एटॉमिक नंबर, जेड का नंबर मतलब क्या है यहाँ पर, एटॉमिक नंबर। ठीक, चलिए यहाँ तक हमें समझ में आता है, इसको मैं मिटा दूँ, आगे और करते हैं, मिटा दिया जाए इसको। ठीक है,
ये हमने पढ़ा नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए, मैंने आपको नॉन कंडक्टिंग शेल के लिए भी बताया, फिर मैंने आपको बताया किसके लिए बच्चों, एक एटम के लिए ना। अब आते हैं हमारे पास कैसा अगली एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कंडक्टिंग शेल। अगर एक कंडक्टिंग शेल आ जाए, मतलब मेटल की एक हॉलो बॉल आ जाए, मेटल की एक हॉलो बॉल आ जाए, उसको शेल बोलते हैं। तो उस केस में आपको क्या याद रखना है बच्चों, पहली बात ये हमारे पास अगर एक कंडक्टिंग शेल है, इसको मैं क्यू चार्ज देता हूँ अंदर, तो याद रखना वो चार्ज ट्रांसफ़र हो जाएगा इसके बाहर। इसको हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर में। अगर ये बाहर ट्रांसफ़र हो गया तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, आउटसाइड के लिए जो डेरिवेशन होगा सेम होगा, सेम एज नॉन कंडक्टिंग, सेम एज नॉन कंडक्टिंग, वही आएगा आंसर इसका कितना, ई अपॉन में डेरिवेशन करके प्रैक्टिस कर लेंगे आप, 4πε0r2। अच्छा दूसरी बात, ऑन द सरफेस वही आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ई बराबर सिग्मा बाई कितना ε0, इसको भी मेरे को दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग ट्राई कर लेंगे। तीसरा, इनसाइड द शेल, अगर शेल के अंदर की बात करते हैं तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि अगर हम कोई कंडक्टिंग बॉडी की बात करते हैं तो जो चार्ज होता है वो कहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगा, उसके सरफेस पे। और मैंने पॉइंट ले लिया यहाँ पर, और अगर मैं इसमें गॉसियन सरफेस बनाता हूँ ऐसे, तो मेरे को आप बताइए ई डी एस कॉस थीटा बराबर इसके अंदर कितना चार्ज हो जाएगा, तो क्यू इनसाइड अपॉन में ε0, क्योंकि सारा का सारा चार्ज कहाँ ट्रांसफ़र हो गया, उसके सरफेस पे, इसलिए अंदर चार्ज हो गया जीरो, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितनी आ गई, जीरो। क्या बात है, इसका मतलब चाहे कंडक्टिंग शेल हो चाहे नॉन कंडक्टिंग शेल हो, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, जीरो होगी। एक बात, अच्छा ग्राफ समझते हैं बच्चों इसका, ये इसका ग्राफ है, ये डिस्टेंस आर और इलेक्ट्रिक फील्ड का, क्या बात समझ में आ रही है। अच्छा यहाँ पर ही होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर क्या है स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर, मतलब इनसाइड, यहाँ पर स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर ऑन द सरफेस, स्मॉल आर इज मोर देन कैपिटल आर, इसका मतलब आउटसाइड। अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, जीरो, लेकिन सरफेस पे मैक्सिमम होती है यहाँ पे, ये देखो कितनी होती है, सिग्मा बाई ε0, लेकिन बाहर जाएंगे तो घटेगी ऐसे करके, है ना, कितना हो जाएगा ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला किसकी बच्चों, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की, फिर मैंने आपको समझाया नॉन कंडक्टिंग शेल की कैसे निकालेंगे, फिर एक एटम के लिए भी समझाया, और फिर ये मैंने कंडक्टिंग शेल का एग्जांपल लिया। ये सारे हमारे पास थे स्फेरिकल वाले, है ना, लीनियर का मैंने इससे पहले आपको समझा ही दिया है। अब आगे बढ़ते हैं थिन शीट के लिए अगले वीडियो में, यहाँ तक आप इसको लिखें, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। अगले वीडियो में मिलते हैं, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो, चलिए थैंक यू।